दिल्ली के तिहाड़ जेल गैंगवॉर के बाद बड़ी हरियाणा के भोंडस्ती जेल की सुरक्षा। तिहाड़ के बाद एनसीआर का भोंडस्ती जेल वो जेल है जहां पर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 23 खतरनाक गैंगस्टर हैं कैद। गैंगस्टर कौशल चौधरी से लेकर मोनू ढाकर जैसे खूंखार कैदियों की बढ़ी सुरक्षा। इन गैंगस्टरों की सीसीटीवी से 24 घंटे हो रही है निगरानी। कड़े सुरक्षा घेरे में निकाला जाता है इन्हें बाहर। टिल्लू ताजपुरिया की जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए गैंगवॉर में हत्या हुई है, तब से लगातार दिल्ली एनसीआर की सभी जेलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। रोहिणी जेल हो या मंडोली जेल या फिर हरियाणा के गुरुग्राम की भोंडसी जेल, नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ढेरों बदमाश इन्हीं जेलों में बंद हैं। जाहिर है कि जिस तरह से गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, ठीक वैसे ही टिल्लू की हत्या का बदला लेने के लिए कहीं अब नीरज बवाना की गैंग कोई बड़ा कांड न करते। इसके मद्देनजर अब जेलों में हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि तिहाड़ जेल में पिछले 19 दिनों में दो बड़ी गैंगवॉर से गैंगस्टरों ने दिखा दिया है कि गैंगस्टरों के इरादे कितने खतरनाक हैं। बेशक टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी तिहाड़ और आसपास के जेलों में ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठकर किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब जेलों में बंद और गैंगस्टरों के साथ क्या किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। दिल्ली में माफिया और गैंगस्टर कितने ताकतवर और बेखौफ हैं, इसकी बानगी पिछले 19 दिनों में देखने को मिली। देश के सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया और अब गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के जेल में हत्या। असल में दिल्ली में ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनके दो गठजोड़ मौजूदा वक्त में बन चुके हैं जो दिल्ली और आसपास के राज्यों में ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनके सरगना जेल में रहते हुए भी अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं इन शातिर अपराधियों के गठजोड़ के बारे में। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में गैंग्स का गठजोड़ कुछ इस तरह से दर्ज किया गया है। सबसे पहले ग्रुप ए रखते हैं जिसमें शातिर गैंगस्टर और गैंग एक साथ हैं। सबसे पहले नाम बताते हैं आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में संदीप उर्फ काला चठेड़ी, जितेंद्र गोगी राजस्थान का आनंद पाल जो मौजूदा वक्त में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ऑपरेट कर रही है, सोबे गुर्जर, जबकि दूसरा गैंग है नीरज बवाना का। नीरज बवाना की गैंग बम्बीहा गैंग, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की गैंग जिसकी अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में हत्या हुई है, संदीप ढिल्लू गैंग और हरियाणा का कौशल जाट गैंग। ऐसे न जाने कितने गैंगस्टर और हैं जो जेलों में बंद हैं, लेकिन इन दोनों ही सिंडिकेट में रहकर वो अपराध कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर या फिर कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत में ये दो सिंडिकेट ही काम कर रहे हैं और इन्हीं दोनों गैंगों में आए दिन गैंगवॉर भी होती रहती है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या भी इन्हीं दोनों गैंगों के बीच के गैंगवॉर का नतीजा है। दूसरी तरफ सुनील बालियान और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने के बाद भोंडस्ती जेल प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। भोंडस्ती जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कौशल चौधरी गैंग समेत अन्य गैंग के 30 गैंगस्टर और कुख्यात बदमाश बंद हैं। इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक सभी को जेलों में बनाई गई स्पेशल सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इनकी प्रतिद्वंदी गैंग के सदस्यों की भी दूरी बनाकर रखी गई है ताकि वो आपस में ना मिले और किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई योजना ना बना पाए। भोंडस्ती जेल के उप अधीक्षक चरण सिंह ने कहा है कि गैंगस्टर और कुख्यात बदमाशों के लिए अलग से स्पेशल जगह बनाई हुई है। सेल में 30 गैंगस्टर को रखा गया है ताकि वो जेल में रहकर नए अपराधियों से बातचीत कर नेटवर्क तैयार न कर पाए। इन गैंगस्टर पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन अपराधों में संलिप्तता पाई गई है। इन सेल में सभी को अलग अलग रखा गया है ताकि आपस में इनका संपर्क ना हो। भोंडस्ती जेल के अधीक्षक ने कहा है कि 30 गैंगस्टर और कुख्यात बदमाशों को स्पेशल सेल में रखा जाता है, उन पर 24 घंटे निगरानी होती है। स्पेशल सेल से कड़ी सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला जाता है ताकि वो दूसरे गैंग के सदस्यों के संपर्क में ही ना आए। जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील ने कहा है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की हत्या के मद्देनजर एनसीआर इलाकों की सभी जेलों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। जेलों की सुरक्षा समीक्षा के साथ साथ अपराधियों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब सभी जेलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग के गैंगस्टर एक दूसरे पर हमला न कर सके। टीम BTF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।